हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल का दुकान है या आपके किसी दोस्त के पास है, तो अगर आप चाहते हो दोस्तों अपने उस दुकान का पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, तो कैसे आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकते हो, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, जो बैनर है इसका PLP फाइल डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड आपको वीडियो में ही तीन जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए भी बात करते हैं अपने इस बैनर को कैसे आपको बनाना है और कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको जो इस वीडियो में ही डिटेल में बताया जाएगा। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप एक लिंक देख सकते हो, लिंक आपको कुछ इस तरीके दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा ही लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आपको जो उस लिंक पर क्लिक करना है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो जो लिंक है दोस्तों आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लिंक ब्राउजर में ओपन होते ही आपको कुछ इस तरीके से जो लिंक नज़र आएगा, तो यहाँ पे अभी देखोगे तो मेरा जो फाइल का नाम है सौरभ मोबाइल करके है, साइड में अभी आप देखोगे एक छोटा सा डाउनलोड का आइकन आपको मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका फाइल दिया गया यहाँ पे, वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना, जो भी फाइल दिया गया है। फाइल को जब दोस्तों आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, आगे आपको यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो आपके पास जो भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, आपको इसको ओपन कर लीजिए। तो मेरे पास ये रहा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको यहाँ पे अपने फ़ोन स्टोरेज के ऑप्शन पे आना है, तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन स्टोरेज के ऑप्शन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो मेरे फ़ोन में कई सारे फोल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी आपको यहाँ पे आने के बाद भी आपको यहाँ पे उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने जो ब्राउजर से जो कुछ भी यानी कि डाउनलोड किया, जैसे मैंने भी आपको डाउनलोड पर लगा के दिखा हुआ था, तो मेरा जो डाउनलोड के जिस फोल्डर में ऐड हुआ है तो ये मुझे यहाँ पर जो उसी फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पर मैं जो भी ब्राउजर से डाउनलोड करता हूँ मेरा जो डाउनलोड के फोल्डर में ही ऐड होता है, तो मेरा यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे इस डाउनलोड के फोल्डर पे जो हम लोग क्लिक करते, जैसे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सौरभ मोबाइल .jp के नाम से मेरा फाइल यहाँ पे आ चुका है, यानी कि जो मैंने फाइल डाउनलोड पे लगाया हुआ था मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिंक पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ये रहा आपका पहला स्टेप, यानी पहले स्टेप में आपको जो लिंक से क्लिक करके जो फाइल दिया गया उसको डाउनलोड कर लेना है। अभी चलिए बात करते अपने दूसरे स्टेप के बारे में। दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पे करना क्या है, दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पे जो आपने JPEG फाइल डाउनलोड किया रहेगा आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इधर मेरा जो फाइल लोडिंग करा, अभी आप यहाँ पे देखोगे सौरभ मोबाइल .plp के नाम से मेरा फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे आपको जो एक्सट्रैक्ट ऑल करके ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके इधर पे कुछ ऑप्शन पूछे कि आप जो ये फाइल है आपका, ये फाइल आप इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो या किसी और फोल्डर में आपको जो ये फाइल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो मुझे जो फाइल इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको जो वीडियो में तीन जगह पर पासवर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको तीनों पासवर्ड यहाँ पे टाइपिंग करके लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइपिंग करके लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको वीडियो में करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया हुआ है, लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये रहा भी आपका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको जो ये फाइल को अपने एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी आपने फाइल डाउनलोड किया जाएगा लिंक से मेरे। अभी चलिए बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी मेरा जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे एक माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कई सारे यहाँ पे पेल फाइल इधर पर दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले से इधर पर ऐड किया हुआ है। और दोस्तों ये जो ऑप्शन यानी कि ये जो माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप यहाँ पर आते हो, तो अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में जो आपके पिक्सल लैब एप्लीकेशन माई प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे जो इस ऑप्शन पे आना होगा तो कैसे आप आओगे। तो मान लीजिए आपके पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जो माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको जो इस ऑप्शन पे आना है तो कैसे आप आओगे। तो चलिए अभी इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके आने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आप साइड में 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिले आपको, तो आपको जो उस ऑप्शन पर क्लिक, जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ओपन PLP फाइल करके, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो आपको जो उस पर क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो तो भी आप जो यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे मैंने आपको दो तरीका बता दिया आप जो इस ऑप्शन पे आने के लिए, तो आप दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक .plp के नाम से एक आपको जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखते हो मैं डाउनलोड के फोल्डर में भी हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरा जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में ऐड हुआ है, तो मैं अभी डाउनलोड के फोल्डर में ही अभी हूँ। तो अभी यहाँ पे दोस्तों आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने
IPL फाइल को रखा हुआ है। तो मेरा फोल्डर का नाम था दोस्तों सौरभ मोबाइल करके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे सौरभ मोबाइल के नाम से एक मेरा फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो जैसे मैं इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा पीएल फाइल अभी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी दोस्तों आपको जो पीएल फाइल आपका, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन लिखा गया ओपन ओनली करके, तो अगर आप अपने इस पीएल फाइल को पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हो, यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन मिलता है ओपन एंड ऐड करके, तो अगर आप अपने पीएलपी फाइल को पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड भी करना चाहते हो और साथ में ही ओपन भी करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जैसे आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे जैसे आप बैक आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका पीएल फाइल आपके पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके जो अपने शॉप का मोबाइल का दुकान का शॉप का जो है बैनर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको जो है अपने दुकान का बैनर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों आप करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मैंने अपने शॉप का नाम लिखा हुआ है, नीचे कुछ जो आइटम लगा हुआ है यानी कि जो भी मोबाइल के दुकान में जो भी सामान मिलता है उसका कुछ इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। और साइड में आपको कुछ कंपनी का नाम है ओप्पो MI सैमसंग करके यहाँ पे देख सकते हो, कुछ रियलमी ऐसे करके कुछ नाम लिखा गया है, यानी कि मैंने PNG इमेज यूज किया हुआ है। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा हुआ कुछ यानी कि अपने जो मोबाइल की दुकान के बारे में, मेरे दुकान पर क्या क्या मिलता है और क्या क्या जो रिपेयरिंग किया जाए, मतलब कुछ लिखा हुआ है। नीचे आपको एड्रेस मिल जाएगा और साइड में आपको जो है मोबाइल नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या क्या एडिटिंग करना है चलिए उसके बारे में बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, इधर मैंने कुछ जो इमेज लगा हुआ है प्रोडक्ट का यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको अपने मनपसंद का इमेज लगाना हो तो कैसे आप लगाओगे, मान लीजिए आपको ये एयरफोन का इमेज पसंद नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे करना है आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो ये नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो जो आपका इमेज है डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको अपना इमेज लगाना हुआ तो कैसे आप लगाओगे, लगाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फ्रॉम गैली का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी आपको उस इमेज को डाउनलोड करके रखना है या आप कहीं से भी जो फोटो लिए हो तो आप ले सकते हो, जैसा भी आपके पास इमेज है आप उस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं ये पेन ड्राइव का इमेज यहाँ पे ओपन किया, नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करता हूँ। ऐसा दोस्तों इमेज ओपन करने के बाद इसका साइज कुछ इस तरीके से आपको छोटा करना है कुछ इस तरीके से, और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड का शेप है इसके ऊपर आपको लाके कुछ इस तरीके से रख देना है तो आपका जो इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगा। ऐसे आप दोस्तों ये जो सेट कर सकते हो यहाँ पे जो भी आपके पास दुकान में जो भी प्रोडक्ट मिलता है, जो भी मोबाइल के दुकान का यानी कि मोबाइल के जैसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपके दुकान में मिलता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कुछ कंपनी का लोगो PNG इमेज लगा हुआ है, तो वो भी अगर आप रहने देना चाहते हो रहने दे सकते हो। अगर आपको उसको भी चेंजेस करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जिस पर आप क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। अभी आप प्लस के आइकन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाओगे और आपने जो भी कंपनी का इमेज लगाना चाहते हो आप उसको यहाँ पे ओपन करो। जैसे मैंने यहाँ पे ओप्पो का ओपन किया और नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करके मैं इसका साइज कुछ इस तरह छोटा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा तो मेरा जो ये इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो इस जो कंपनी के नाम जो भी चेंजेस करना है वो भी चेंजेस कर सकते हो, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो भी चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपने बैनर के बारे में, यानी आपको जो ये टेक्स्ट लिखा गया है और इसके जो बैकग्राउंड जो कुछ भी इधर पे डिटेल है चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो अगर आपको ये जो बैनर मैंने बनाया हुआ, अगर आपको इस बैनर का बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है तो अगर आप चाहते हो इसका कलर चेंज करना है तो कैसे आप करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे साइड में नीचे फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके सामने कुछ कलर दिखाएंगे, यहाँ पे आप जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप प्लस के आइकन क्लिक करके यहाँ से भी आप कोई कलर बना के आप नीचे ओके के ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपका वो कलर आपके बैनर में सेव हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हो ग्रेडियंट कलर देना तो इसमें आप ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप ग्रेडियंट कलर भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी कलर आपको पसंद है। अगर मान लीजिए आपको इसमें से भी कलर पसंद नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको इस कलर में प्लस के आइकन क्लिक करके दिखाया था, वैसे आप जो ग्रेडियंट कलर में भी प्लस का आइकन मिलता है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पर आ जाओगे। अभी आप यहाँ पर जो भी कलर पसंद करना चाहते आप कलर पसंद करके नीचे ओके के ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपका जो कलर आपके बैनर में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा जो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बारे में। तो अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा गया उसके बारे में, जो कुछ भी यहाँ पे आप टेक्स्ट देख रहे हो दुकान का नाम और जो यहाँ पे कुछ लिखा गया है जो एड्रेस लिखा गया है सारा चीज को चेंज कैसे करना चलिए भी इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो अपने ये जो शॉप का नाम है इसको चेंजेस करना है, इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिस एप्लीकेशन का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन यहाँ
पे देख सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है मराठी फोन कन्वर्टर, जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको जो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है क्लिक करके, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है यूनिकोड टू श्रीदेव करके। तो जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जो ऑप्शन है आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में यूनिकोड, नहीं उसके नीचे लिखा गया है इंग्लिश में टाइप यूनिकोड टेक्स्ट हियर। तो आपको वहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप वहाँ पे टाइप करते हो आपके कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको अपने कीबोर्ड को जो हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप अपने शॉप का नाम जो भी देना चाहते हो आपको उस शॉप का नाम यहाँ पे जो लिख लेना है, यानी दुकान का नाम जो भी आपको लिखना है आपको नाम यहाँ पे टाइपिंग करके लिखना है। तो एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे चलिए कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने सचिन लिखा। तो यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर नीचे देखोगे यूनिकोड टू श्रीदेव करके ऑप्शन है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो दोस्तों तो आपको जो नीचे वाले बॉक्स है उसमें कुछ यूनिकोड मिल जाएगा। उसके बाद आपको साइड में एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद वापस से जो आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आना है, तो मैं यहाँ पे अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको जो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल टैप करना है, और यहाँ पे मैंने जो अपना नाम लिखा है सौरभ उसको कट कर दे रहा हूँ। मोबाइल जो उसके आगे लिखा गया था उस मोबाइल को रहने दे रहा हूँ। अगर आप दोनों को चेंज करना चाहते हो तो आप जो उस एप्लीकेशन में जो भी आपको नाम डालना है आपको वो नाम लिखना है। मैंने फिलहाल अपना नाम ही लिखा होता है, यानी केवल नाम ही लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे भी जो नाम ही को कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं उस नाम को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डन करके ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरा सौरभ से सचिन हो चुका है और मेरा नाम यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। तो आप इस तरीके से इस नाम को चेंज कर सकते हो, और नीचे आप जो भी टेस्ट दिखाई दे रहा है आपको, यानी हिंदी टेस्ट जो भी फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सारे टेस्ट को आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर भी आप उसी तरीके से चेंजेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा पूरा वीडियो मोबाइल शॉप बैनर के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पे लगभग सारे चीज़ के बारे में बता, सारे डिटेल के बारे में बता दिया, कहाँ पे क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है उस सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दी। तो जाइए दोस्तों आप भी बनाइए इस तरीके का बैनर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली हमारी एक एक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।